हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोडन बायोलॉजी में। यू ऑल आर वेलकम इन द वीडियो सीरीज हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम CSIR NET JRF दिसंबर 2019 इन लास्ट वीक। सो इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू स्कीप फॉर CSIR दिसंबर 19 इन लास्ट टू डेज। सो दिस इज एक्चुअली ए रिविजन टिप्स, दिस इज हाउ यू कैन क्रैक इट। सो लेट्स स्टार्ट रिविजन टिप्स फॉर यू। जैसे मैंने आपसे कहा था कि सीरीज में चार वीडियोज हैं, तो ये दूसरा तीसरा और चौथा को मैंने एक ही में कंपाइल करके दिया है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। आज फ्राइडे है और एक दिन के बाद जस्ट संडे को आपका एग्जाम है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लास्ट दो दिनों में क्या पढ़ें और क्या स्कीप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं रिविजन के लिए। वेटेज के आधार पर हम लोग टॉपिक को डिसाइड करेंगे। इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। पहले सेल बायोलॉजी, फिर मॉलिकुलर, एक दूसरे का रिलेशन हम लोगों ने चेक कर लिया था। तो अब देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर आपको और क्या क्या रीड करना चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है यार दिसंबर 2019 के लिए। तो वेटेज के आधार पर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को अलग करते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट ए के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि लॉजिकल रीजनिंग से 25% वेटेज है इसके क्वेश्चन का। नंबर से 10% वेटेज है, डिस्टेंस से 10% वेटेज है, प्रोबेबिलिटी से 10%, ज्योमेट्री से 25%, प्रॉफिट एंड लॉस से 5% एंड एनालिटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी से 5% के क्वेश्चन आते हैं, और ग्राफिकल नंबर से 10% वोटेज है। तो इसमें से आपको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा टॉपिक आपके लिए बेस्ट है और कौन सा टॉपिक आपको पहले रिवाइज करना चाहिए और कौन सा टॉपिक को आप स्कीप करना चाहते हैं। ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है आपका 25% का, एक तो लॉजिकल रीजनिंग का है, दूसरा जियोमेट्री का है। इन दोनों को स्किप करने का बिल्कुल भी ना सोचें और इसको आप पहले रिवाइज करें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में ऐसे दो यूनिट्स हैं, यूनिट वन एंड यूनिट फाइव, जिससे 15% से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 15% दोनों से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको स्किप करने का बिल्कुल ना सोचें, पहले इसी को रिवाइज करें। और ऐसे कई यूनिट हैं जिससे 10% से क्वेश्चन आते हैं, जैसे यूनिट 2, 3, 4, 6, 11 एंड 13। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे 7, 8, 9, 10 एंड 12 सेक्शन बी में से 10% और इससे भी लेस क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसमें से डिसाइड कीजिए कि अगर आप सेक्शन बी टारगेट कर रहे हैं तो एक्चुअली आपको कौन सा यूनिट पहले रिवाइज करना है और बेहतर तरीके से रिवाइज करना है। इसके बाद अगर आप सेक्शन सी टारगेट करना चाहते हैं तो 10% से ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले जो यूनिट हैं वो है आपका 4, 5 एंड 13, और 8% के करीब आने वाला है 1, 3 एंड 8, और मोर देन 5% और मार्क्स 5% में जो क्वेश्चन आते हैं 2, 5, 7, 10, 11 एंड 12। अब इनके आधार पर आपके पास एक क्वेश्चन एनालिसिस है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि पहले आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मेरा सजेशन यही है कि सबसे पहले आप अगर ए और बी दोनों सेक्शन को टारगेट करना चाहते हैं तो ये यूनिट फाइव, यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन है और यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, आप यूनिट फाइव को ज़्यादा वेटेज दें। एक दूसरा, 13 अगर चैप्टर आप पढ़ते हैं तो 13 यूनिट में 10% से ज़्यादा क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी में, और 10% से ज़्यादा क्वेश्चन है सेक्शन सी में भी। इसके बाद आपको चूज करना चाहिए यूनिट 13। इसके बाद मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बी सेक्शन के लिए यूनिट वन में देखें कि 15% से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी में और 8% ऑलमोस्ट आते हैं सेक्शन सी में। इसके बाद आप यूनिट वन को टारगेट करें और इसके बाद आप थ्री को टारगेट करें। थ्री से यहाँ देखेंगे तो ये ज़्यादा क्वेश्चन है 10, और थ्री से आपका 8% क्वेश्चन आते हैं सी में, तो आप इसके बाद थ्री यूनिट टारगेट कर सकते हैं। और आपके पास अगर ये डाटा है तो आई होप कि आप इससे डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपका कौन सा पोर्शन ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन सा वीक है, और आप कौन सा पोर्शन को ज़्यादा वेटेज देना चाहते हैं अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए। तो इससे आप बेस्ट मार्क्स ला सकते हैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके। तो अब हम लोग देखते हैं कि कुछ यूनिट में उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस टॉपिक है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या रिवाइज कर लेना चाहिए लास्ट वन डेज में। अगर हम लोग बात करें यूनिट वन का, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू द बायोलॉजी, इसमें आप क्या पढ़ते हैं, जैसे कि स्टेबलाइजिंग बॉन्ड बिटवीन द माइक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, डीएनए, वैन डेर वाल फोर्सेस होते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होते हैं। इसके बाद अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, बिहेवियर,
इसके डिफरेंट आर ग्रुप के कारण जो उसमें बिहेवियर होता है, प्रॉपर्टी जैसे कि उसका काइरल कार्बन होता है, काइरलिटी क्या है, या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या पीके वैल्यू, ये सारी चीज़ों को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद प्रोटीन कन्फर्मेशन देखिए, डायहेड्रल बॉन्ड, रामाचंद्रन प्लॉट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही हैं, हर साल आते हैं। और कुछ टेक्निक्स पढ़ लीजिए, जैसे कि कैसे कन्फर्म करते हैं हम लोग उसके सीक्वेंस को या कन्फर्मेशन को, किस टेक्निक से हम लोग करते हैं, ये सारी चीज़ें देखिए। इसके बाद प्रोटीन फोल्डिंग, थर्मोडाइनमिक्स, डी नेचुरेशन एंड बायोलॉजिकल फंक्शन उसका क्या है, किस प्रोटीन का, किस अमीनो एसिड का, इन सारी चीज़ों के बाद एंजाइम काइनेटिक्स को आप देख सकते हैं। एंजाइम काइनेटिक्स का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसको अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। मैंने इसका वीडियो बनाया है कि किस तरह से उसका इनहिबिशन होता है, कितने तरह का इनहिबिशन होता है। इसके बाद आपको मेटाबॉलिक पाथवे पर ध्यान देना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का, जैसे कि ग्लाइकोलाइटिक एंड टीसीए साइकिल होता है, इसका रेगुलेशन कैसे होता है, और स्पेशली आप फीडबैक इनहिबिशन पे ध्यान दें, एंजाइम कोफैक्टर्स किस में इन्वॉल्व होते हैं, एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है और इसका इनहिबिशन कैसे होता है, क्या क्या चेक पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पढ़ें। और कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है मोलरिटी पे, पीएच बफर पे, या थर्मोडायनेमिक्स पे डेल्टा जी कैलकुलेट करने के लिए, ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप ज़रूर एक बार रिवाइज कर लें। कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर आप देख लें एक बार, और डाई और पॉलीसेक्राइड में क्या अंतर है, ये सारे कॉमन बातें मैंने इसमें दे दिया है, आप इसको नोट कर लें और जाने से पहले एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें। लिपिड में आप देखें तो लिपिड का स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्पेशल इम्फेसिस क्या है मेम्ब्रेन पे, और कैसे अडेप्टेशन होता है टेम्परेचर से, कैसे मेम्ब्रेन बिहेव करता है, और न्यूक्लिक एसिड टोपोलॉजी आप पढ़ें, जैसे कि उसका ट्विस्ट, उसका लिंकिंग नंबर क्या है, स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस कैसे होता है। तो इन सारी बातों को, तो ये हो गया डिटेल में, अगर आप पढ़ लें और लास्ट मोमेंट में आप चाहते हैं कि रिविज़न कर लें, तो आपको कौन कौन से टॉपिक देख लेना चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स हैं वो आपका रामाचंद्रन प्लॉट है, उसको बिल्कुल भी स्किप करने के ना सोचें, इससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। और अमीनो एसिड का चार्ज, स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर, उसके बाद एंजाइमोलॉजी पढ़ लें आप, रेट काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स और बॉन्ड एनर्जी, ये यूनिट वन से हॉट टॉपिक्स हैं जिसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, जाने से पहले एक बार जरूर रिवाइज कर लें। इसके बाद अगर यूनिट टू की बात करें हम लोग, इसमें हम लोगों ने देख लिया था, यूनिट वन हम लोगों ने देख लिया, अब यूनिट वन आपका यहाँ है, यूनिट वन से यहाँ भी क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद अगर हम लोग यूनिट टू की बात करें, तो यूनिट टू से 10% क्वेश्चन बी सेक्शन में है और 5% सी सेक्शन में है। तो यूनिट टू की अगर बात करें, तो यूनिट टू में क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वो पढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद उसका कंपोजिशन एंड नेचर डिटेल में पढ़ना है आपको, फॉस्फोलिपिड का एंड प्रोटीन का, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन उसका कैसा है, आरबीसी मेम्ब्रेन पढ़ना है, और लिपिड राफ्ट, एफआरएपी, फ्रीज इचिंग, और बहुत सारे टॉपिक्स जैसे कि आयन चैनल है, पंप है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, देयर इनहिबिटर्स, इन सारे चीज़ों को आप अच्छे से देख लें एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रोटीन ट्रांसपोर्ट आप ज़रूर पढ़ें, इसका पाथवे क्या है, ऑर्गेनल में कैसे जाता है, साइटोस्केलेटन का कंपोनेंट्स क्या क्या है, लाइक एक्टिन, डायनिन, काइनेशिन, और इसका क्या फंक्शन है डिफरेंट सेलुलर प्रोसेस में, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंस है आपका कि क्या क्या इंजाइम कंटेंट करता है आपका, जैसे कि गॉल्जी बॉडी हो गया, लाइसोजोम्स हो गए या पेरोक्सीजोम्स हो गए, और इससे रिलेटेड डिजीज क्या क्या होते हैं, इसको आप ज़रूर पढ़ लें। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कैसे होता है ईआर में, इसको ज़रूर आप लोग देख लें। एक यूनिट में कई सारे सब यूनिट होते हैं, अगर आप सिलेबस देखें गौर से तो आपको पता होगा ये बात। तो सब यूनिट सी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको ज़रूर देख लें, जैसे कि ओपेरॉन है, लैक ऑपरॉन, ट्रिक ऑपरॉन और हिस ऑपरॉन भी आप ज़रूर पढ़ लें। इसके बाद क्रोमोजोम स्ट्रक्चर आप पढ़ लें, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस जैसे हम लोग जानते हैं सेटेलाइट, आपको ये सब पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद सेंट्रोमेरिक रीजन क्या होता है, डीएनए सीटेलाइजेशन, मिथाइलेशन, पैकिंग, ये सब पढ़ लेना चाहिए। एक बात बिल्कुल भी याद रखें, आप एसिटाइलेशन होता है तो मैक्सिमम केस में ये एक्टिव हो जाता है, और अगर मिथाइलेशन होता है तो इनएक्टिव हो जाता है क्रोमेटिन, तो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद सब यूनिट डी में जो यूनिट टू का है, उसमें आप मेनली क्या क्या देख लेंगे, एपोप्टोसिस, कैंसर एंड एपोप्टोसिस टॉपिक है उसमें मेनली, इसको आप ज़रूर देख लें।
और इसका लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप अगर देखना चाहें तो यहाँ से ज़रूर उसको देखें, उसमें पूरा एपोप्टोसिस की कहानी दी हुई है, आप समझ सकते हैं वहाँ से। इसके बाद कुछ डेवलपमेंटल बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं, उसको भी आप कवर करें। ऐसे यूनिट 5 में आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। इसके बाद सेल साइकिल में स्टेप क्या है, उसका चेक पॉइंट्स क्या है, रेगुलेशन कैसे होता है, और साइक्लिन से डीके का फंक्शन आप देख लें ज़रूर, ATM, ATR, इनहिबिशन ड्रग, ये सारी चीज़ें आप एक बार जाने से पहले ज़रूर कवर कर लें। और एक ज़रूरी बात कि जब माइटोसिस और मियोसिस होता है तो उसमें किस किस स्टेज में कितना DNA कंटेंट होता है और कितना क्रोमोसोम काउंट होता है, ये सब बातों पर ध्यान दें, इससे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। और माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, जैसे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं इसके, जैसे माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स से आते हैं, माइक्रोबियल डिजीज से आते हैं, ग्रोथ कंडीशन से आते हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्स से। और जहाँ तक मैंने देखा है क्वेश्चन की पिछले बार माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, तो ये इस बार के लिए हॉट टॉपिक्स होगा, आप इसको ज़रूर देख लें। इसके बाद अगर शॉर्ट में हम पूरे को देखना चाहें तो आपको क्या पढ़ना चाहिए यूनिट 2 में, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आप लैक एंड ट्रिपोपेरॉन ज़रूर पढ़ लें, लैकोपेरॉन एंड ट्रिपोपेरॉन, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ लें, ट्रांसपोजोन पढ़ लें, ये सारा चीज़ आप प्रिपेयर कर लें जाने से पहले, एक बार आपको ये ज़रूर देख लेना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि प्रोटीन एंड फैक्टर्स जो सेल साइकिल रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं उन सबको आप ज़रूर देख लें, CDK हो गया, साइक्लिन हो गया, इन सारी चीज़ों को एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें जाने से पहले। यूनिट थर्ड आपका यहाँ है, इससे 10% क्वेश्चन आते हैं इसमें, और यूनिट थर्ड आपका यहाँ पर है। तो यूनिट थर्ड से आप अगर टारगेट करना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, तो अगर सबसे पहले इसको ब्रॉड व्यू में देखें तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, यूनिट थर्ड है आपका फंडामेंटल प्रोसेस। तो जो भी फंडामेंटल प्रोसेस है, जैसे कि रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उसमें आपको तीन स्टेज पर ध्यान देना है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इसके सारे स्टेप को आप अच्छे से देख लें, इसमें क्या कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, कौन सा एंजाइम लगता है, क्या इनहिबिटर है, क्या एक्टिवेटर है और क्या रिप्रेशर है, इन सारी चीज़ों को आप देख लें। जैसे कि DNA रेप्लिकेशन है तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि मेसेंजर इंस्टॉल का एक्सपेरिमेंट है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ DNA पॉलीमरेज एंड उसका स्पेसिफिक फंक्शन जो है, आप इसको रिवाइज कर लें। इसके बाद टीलोमियर रेप्लिकेशन जरूर पढ़ें आप, यहाँ से क्वेश्चन आता है, सी सेक्शन में क्वेश्चन आता है। इसके बाद DNA डैमेज, म्यूटेशन और सभी तरह का रिपेयर मैकेनिज्म जो है पाथवे, आप जरूर पढ़ लें उसको, ये आपका यूनिट 8 में भी कॉमन है, आपको पढ़ना है पाथवे रिपेयर मैकेनिज्म। इसके बाद होमोलोगस एंड साइड स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन है, उसको आप टच करें। RNA ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को पढ़ें, प्रोकैरियोटिक में क्या है, यूकैरियोटिक में क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों के ट्रांसक्रिप्शन में, RNA पॉलीमरेज, मेसनरीज, इनिशिएशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्लाइसिंग, RNA स्प्लाइसिंग, जैसे कि स्प्लाइसोसोम कंपोनेंट है, क्या क्या RNA एडिटिंग फैक्टर, ये सारा चीज़ें आप एक बार रिवाइज कर लें जाने से पहले। इसके बाद टाइप ऑफ RNA आप जरूर पढ़ें, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम एंड इनिशिएशन एंड इलॉन्गेशन फैक्टर्स इन्वॉल्व, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि आपको जो फंडामेंटल प्रोसेस है उस सभी का इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन पढ़ना है। इसके बाद अमीनो एसिड, tRNA सिंथेटेज, कोडोन्स एंड एंटी कोडोन्स, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन आप डिटेल में पढ़ें, जैसे कि यूबिक्विटिनाइजेशन क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, कौन सा फैक्टर्स इन्वॉल्व है, क्या सिग्नल है, इन सारी चीज़ों को आप जरूर एक बार देखें। इसके बाद जीन रेगुलेशन इन यूकेरियोट्स में फास्ट जीन रेगुलेशन आप पढ़ लें, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक फेज एंड जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है उसका, और जीन सेलेक्टिंग मेथड आप जरूर पढ़ लें RNAi से। अगर शॉर्ट टर्म रिविजन करना है तो इसमें से क्या पढ़ना चाहिए, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स हैं, तो CSIR NET के एग्जाम में जो इससे क्वेश्चन आते हैं वो है DNA रेप्लिकेशन से, DNA रिपेयर मैकेनिज्म, ट्रांसक्रिप्शन, mRNA स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन, इन सारी चीज़ों को आप एक नज़र में देख लें ज़रूर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है DNA के रेप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में, इसको देख लें, और इससे क्या फैक्टर एसोसिएटेड है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और इसका स्टेप आप एक बार ज़रूर देख लें, और ट्रांसलेशन को समरी में फ्लो चार्ट में एक बार बना के आप देख लें, ये आपका क्लियर है।
इसके बाद है यूनिट फोर। तो यूनिट फोर कहाँ कहाँ आपका, यूनिट फोर है बी सेक्शन में, इससे 10% क्वेश्चन आते हैं अप्रॉक्स, और सी सेक्शन में भी 10% क्वेश्चन आते हैं। यूनिट फोर को अगर टारगेट करना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए, ये आपका यूनिट है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग का। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बिल्कुल भी स्किप करने का बिल्कुल भी मत सोचें। तो इसके फर्स्ट सेव यूनिट में आप देखेंगे फोर यूनिट का कि बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज कौन कौन से हैं, एयरबॉर्न होते हैं, वाटरबॉर्न डिजीज होते हैं, वो सारा चीज़ आप देख लें। इसके बाद उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, पैथोजेंस क्या क्या है, और उसका होस्ट क्या क्या है। इसके बाद सेव यूनिट टू में आप देखेंगे सेल सिग्नलिंग, तो उसमें जी प्रोटीन कपल रिएक्शन GPCR, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, मैप काइनेज पाथवे, जैक स्टेट पाथवे, WNT पाथवे, इसके बाद हेड जेहॉक पाथवे, NTGF बीटा पाथवे, इन सारे पाथवे का आप जरूर देख लें, NFKB पाथवे, नॉच डेल्टा एंड इफ्रीन सिग्नलिंग पाथवे, ये सारे पाथवे को आप एक बार समराइज कर लें, फ्लो चार्ट में बनाकर देख लें इसके कौन कौन सा फैक्टर हैं और कैसे ये वर्क करता है, तो आपका ये सब यूनिट टू क्लियर हो जाएगा। और इन सारे पाथवे को डिटेल में पढ़ें आप, मैकेनिज्म पढ़ें कि उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, उसमें कौन कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर इन्वॉल्व है, उसके स्ट्रक्चरल चेंज से कैसे सिग्नलिंग पास आउट होता है, कहाँ फॉस्फोराइलेशन होता है, और एक इम्पॉर्टेंट है इसमें कि इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन एंड इनहिबिटर ऑन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में टॉक्सिन और इनहिबिटर का क्या रोल है और ये कैसे अफेक्ट करते हैं उस पाथवे को। यूनिट फोर के थर्ड सब यूनिट में जो कि सेल कम्युनिकेशन है, उसमें आपको पढ़ना है कि उसमें आपको पढ़ना है कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और उसका स्ट्रक्चर फंक्शन डिटेल में पढ़ लें। सेल सेल इंट्रैक्शन आपको उसमें पढ़ना है, सेल मैट्रिक्स इंट्रैक्शन पढ़ना है, अडहेरेंट जंक्शन पढ़ना है, टाइट जंक्शन पढ़ना है, गैप जंक्शन पढ़ना है, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एडहेशन मॉलिक्यूल को भी पढ़ना है और उसका क्या क्या फंक्शन है। इसके बाद यूनिट फोर के फोर सेव यूनिट में आपको जो पढ़ना है वो है प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस की कहानी एक वीडियो है इसमें हमारे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, पूरा मैकेनिज्म डिटेल से उसमें बताया गया है कि क्या इंट्रिंसिक पाथवे है और क्या एक्सट्रिंसिक पाथवे है और वो कैसे काम करता है, इन सबको आप जरूर पढ़ लें। सप्रेशर जीन क्या क्या, ट्यूमर सप्रेशर जीन P53 RB, इन सारे का उसमें चर्चा की गई है, आप अगर उसको पढ़ते हैं तो आपको ये सारी बातें इजीली समझ में आ जाएंगी। इसके बाद लास्ट सेव यूनिट जो है यूनिट फोर का वो है इम्यूनोलॉजी, इसको आप ज़रूर अच्छे से देख लें। इसमें आपको पढ़ना है कि रोल ऑफ डिफरेंट साइटोकाइनिन क्या क्या रोल है उसका, और क्या डाइवर्सिटी है एंटीबॉडी का, एंटीबॉडी कैसे बनता है, साइटोकाइनिन एंटीजन का प्रोसेसिंग कैसे करता है, बी सेल टी सेल का मैच्योरेशन कैसे होता है और एक्टिवेशन कैसे होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, हाइपर सेंसिटिविटी है और MHC मॉलिक्यूल है, और इसका हिस्टो कंपैटिबिलिटी में क्या रोल है, एंटीजन प्रोसेसिंग में क्या रोल है, टॉल लाइक रिसेप्टर क्या है, ये सारी चीज़ों को आप एक बार ज़रूर देख लें, शॉर्ट नोट्स बना लें इसका। अब पूरे फोर्थ सेव यूनिट को अगर शॉर्ट टर्म में देखना चाहते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या हॉट टॉपिक्स हैं, तो इसमें आपको पढ़ना चाहिए कि सारे सिग्नलिंग पाथवे को आप लिस्ट आउट कर लें, उसका एक फ्लो चार्ट बना लें, डायग्राम बना लें, इसके बाद उसका एक्शन का सीक्वेंस क्या है उसको याद रखें। इसके बाद इम्यूनोलॉजी के लिए आप क्या करें कि बी सेल और टी सेल का एक कंपेरेटिव टेबल बनाएं, उसको कंपेयर में याद कर लें, सभी पैथोजेन और उससे होने वाले डिजीज को लिस्ट आउट कर लें। अगर आपके पास एक जगह अवेलेबल नहीं है तो मैंने कोडन कॉलेज पे एक बुक अवेलेबल कराया था डिजीज, इसमें सारे पैथोजेन एंड डिजीज, उसका कॉजेटिव एजेंट एंड उसका सिम्टम्स एक जगह दिए हुए हैं, सारे डिजीज किसी भी तरह का डिजीज हो इसमें आपको ज़रूर मिल जाएंगे, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे लिंक पे जाके, या हमें मेल कर सकते हैं, या NCIBB पे जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ अवेलेबल है ये। तो अगर आपको ये बुक चाहिए जिसमें सारा एक जगह लिस्ट आउट किया हुआ है तो आप सर्च करें www.ncibb.org.in पर, और वहाँ पर आप जाएं बुक सेक्शन में और वहाँ पे आपको ये बुक मिलेगा डिजीज, और वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और एक काम कर सकते हैं, आपकी जितने भी सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है उसका एक लिस्ट बना लें और उसको आप कंपैरेटिवली याद रख सकते हैं,
और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑन्कोजीन, इससे क्वेश्चन आता है, ऑन्कोजीन क्या है, ट्यूमर सप्रेशर जीन क्या है और इसका क्या सिग्निफिकेंट इफेक्ट है और क्या रोल है कैंसर जेनेटिक्स में, इसको आप जरूर पढ़ लें। या अगर आप शॉर्ट टर्म में रिवाइज करना चाहते हैं तो आज रात में 11 बजे हर रोज जो कोडन बायोलॉजी पे पॉडकास्ट होता है, आज का टॉपिक है ट्यूमर सप्रेशर जीन, ऑन्कोजीन, एपोप्टोसिस, तो इसको आप पॉडकास्ट में भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं। आप जरूर पॉडकास्ट जब सुने तो आप कॉपी कलम लेकर बैठें और उसको ध्यान से सुने और उसका अपना नोट्स बना लें तो आपको जरूर उससे लाभ होगा। कोडन बायोलॉजी पे हर रोज 11 बजे रात में एक टॉपिक का पॉडकास्ट चलाया जाता है। आज का टॉपिक है ऑन्कोजीन, ट्यूमर सेपरेशन जीन एंड एपोप्टोसिस, आप वहां से लाभ ले सकते हैं। तो हम लोगों ने आज शॉर्ट समरी देख लिया कि आपको यूनिट 1 टारगेट कर रहे हैं तो क्या पढ़ना चाहिए, यूनिट 2 टारगेट कर रहे हैं क्या करना चाहिए और यूनिट 3 टारगेट और 4 कर रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक के यूनिट के बारे में अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं कि किस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या पढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंस वीडियो हैं जो अवेलेबल हैं कोडन बायोलॉजी पे, आप उसको देख सकते हैं। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उसमें एक वीडियो है इंपॉर्टेंट एपोप्टोसिस की पूरी कहानी, आप इसको देख सकते हैं। इससे आपको पूरा एपोप्टोसिस ईजिली समझ में आ जाएगा और जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSIR के लिए भी। और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है जेनेटिक्स और जीनोम का, आप इसको देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बुक डाउनलोड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप www.ncibb.org.in पे लॉगिन कर सकते हैं और आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं डिजीज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।